नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीतन राम मांझी ने बढ़ाई नीतीश सरकार की मुश्किलें, बिहार में शराबबंदी को बताया फ्लॉप। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी ना के बराबर है और इसके लिए कानून की समीक्षा ना हो। पूर्व सीएम ने यह बयान दिल्ली दौरे के दौरान दिया है। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फ्लॉप है, सरकार को चाहिए कि इस पर कानून सख्त करे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से एक तिहाई गरीब लोग जेल में है। हम सुप्रीमो मांझी ने कहा कि शराबबंदी में काफी पैसा खर्च हो रहा है, बिहार के लोग विषैले शराब के सेवन से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब को कहा जा रहा है कि ये शराब पी रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराब पीने के मामले में जो लोग जेल में हैं उनमें एक तिहाई हिस्सा गरीब का है, उनके बाल बच्चे आज बिलख रहे हैं। दिल्ली दौरे पर गए जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्रों में आरक्षण, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की मांग सहित बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से सफल मुलाकात हुई। आशा है कि हमारी सभी मांग जल्द पूरी होगी। बिहार शिक्षक नियोजन के लिए ओपन कैंप में होगा काउंसलिंग, जमा करा लिए जाएंगे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट। प्राथमिक नियोजन की काउंसलिंग अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, शिक्षा विभाग इसके लिए पूरी तैयारी में है। शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ओपन कैंप के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका देना है। इसके लिए विभाग की रणनीति है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज काउंसलिंग के बाद जमा करा लिए जाएंगे। दस्तावेज जमा कराने की दो वजह हैं, एक तो उनका सत्यापन सुनिश्चित हो सके, दूसरे अभ्यर्थियों को उन दस्तावेजों के आधार पर दूसरे जगहों की काउंसलिंग प्रक्रिया से रोकना भी है ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिल सके। दरअसल विभाग की मंशा है कि ओपन कैंप में अभ्यर्थी केवल उस जगह पहुंचे जहां उनके चयन की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर उनके दस्तावेज जमा नहीं कराए गए तो ऐसी सुविधा संपन्न अभ्यर्थी कई जगह काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, इससे दूसरे अभ्यर्थियों के लिए अवसर कम होंगे क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी को केवल एक ही जगह पर नियोजन पत्र दिया जाना है। अगर अधिक अंक वाले अभ्यर्थी कई जगह चुन लिए जाते हैं तो वह केवल एक ही जगह को चुनेगा, शेष जगहें खाली रह जाएंगी। अब पटना एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अब नहीं होगी जरूरी। पटना डीएम के नए आदेश के बाद अब महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आ रहे हवाई यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड 19 के आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अब जरूरत नहीं होगी। कोरोना के केस बढ़ने पर 7 अप्रैल 2021 को डीएम ने पटना एयरपोर्ट निदेशक को पत्र लिखकर कहा था कि इन राज्यों से पटना आने वाले यात्रियों को तभी यात्रा की अनुमति दी जाए जब उनके पास 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट हो। अब नए पत्र में डीएम ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हो चुका है, देश के अधिकतर भागों में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है, बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाया जा चुका है। ऐसे में जब शहर व राज्य का जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है तो इस प्रकार की बाध्यताओं को खत्म किया जा रहा है। प्रशासन के इस आदेश से बिहार आने वाले यात्रियों ने खुशी जाहिर की है। विमान से उतरे यात्रियों ने कहा कि कोरोना से सुरक्षा की मुहिम अभी चलते रहना चाहिए, लेकिन प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने का फैसला बहुत अच्छा है, इससे यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। सृजन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों समेत 7 लोगों की संपत्ति की जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने सृजन घोटाले में शामिल सरकारी पदाधिकारी समेत 7 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद, पटना, नई दिल्ली, भागलपुर में इनके 12 फ्लैट और 5 प्लॉट के अलावा एक स्कॉर्पियो और बैंक खातों में जमा 1,20,000 रुपये को भी जब्त किए गए हैं। इनका सरकारी मूल्य करीब 4,11,00,000 बताया जा रहा है, जबकि बाजार मूल्य इससे कहीं ज्यादा है। जिन लोगों की संपत्ति जब्त हुई है उनमें सरकारी पदाधिकारी बबीता झा के नाम से गाजियाबाद में एक फ्लैट और पति चंद्रशेखर के नाम से बैंक खाते में जमा रुपये, कर्मी अभिषेक कुमार की पत्नी अर्पणा वर्मा के नाम से गाजियाबाद में एक फ्लैट, ऑडिट अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा की बेटी व बेटा के नाम पर गाजियाबाद में एक एक फ्लैट, बैंक अधिकारी संत कुमार के नाम पर भागलपुर और गाजियाबाद में एक एक फ्लैट, एक अन्य बैंक अधिकारी देवशंकर मिश्रा की पत्नी शशिलता मिश्रा के नाम पर गाजियाबाद में एक फ्लैट के अलावा स्थानीय व्यापारी विपिन कुमार के नाम पर पटना में एक व भागलपुर में दो फ्लैट शामिल है। इसके अलावा सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव
स्वर्गीय मनोरमा देवी की बेटी और दामाद के नाम से गाजियाबाद में एक एक फ्लैट, बेटा अमित कुमार व बहू रजनी प्रिया के नाम से पटना में एक फ्लैट और भागलपुर में एक मकान व प्लॉट के अलावा अन्य रिश्तेदारों के नाम में सीतामढ़ी में एक बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। इन सभी लोगों के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई की गई है। बिहार में अब जमीन का नक्शा लेना हुआ और आसान। अंचलों में 150 रुपये में मिलेगा नक्शा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का नक्शा और अन्य दस्तावेजों लेने के लिए कितना शुल्क देना होगा यह निर्धारित कर दिया है। पेज के आकार के अनुसार यह शुल्क तय किया गया है। जमीन का नक्शा 150 रुपये में मिलेगा, साथ ही 10 रुपये फीस के रूप में देने होंगे। सभी दस्तावेज आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र यानी कि MMR से मिलेंगे। राज्यभर में 121 MMR इसी महीने से काम करने लगेंगे। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बुधवार को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग में पहुंचकर योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। रैयत आदि से लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण पर अधिकारियों के साथ मंथन किया। जी हाँ, बिहार देश का पहला और अकेला प्रदेश है जहां कोरोना से हुई मौत पर राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा दे रही है। अब तक राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले 3737 लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये दिए हैं। सरकारी प्रावधान के मुताबिक बिहार के मूल निवासी वैसे लोग जिनकी मौत राज्यों में हुई है, वैसे लोगों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक 9,537 लोगों की मौत हुई है, बाकी 5,800 मृतकों के परिजनों को आवेदन प्रक्रिया में है। सरकार 31 मार्च 2022 तक कोरोना से होने वाली मौत के मामले में राज्य सरकार मुआवजा देगी। पूर्व में इस व्यवस्था को लेकर जारी किए गए निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि बिहार सरकार ने शुरू से कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए यह व्यवस्था की है। राशि की भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से होता है, लेकिन कोरोना को केंद्र ने अधिसूचित आपदा में शामिल कर लिया है। इसके बाद इस व्यवस्था के तहत मिल रहे अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से ही होगा, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। आंखों का ऑपरेशन कराकर पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, कहा सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाने के बाद बुधवार की दोपहर दिल्ली से पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में अपने स्वास्थ्य के बारे में कहा कि सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने अभी अधिक रोशनी व धूप में जाने से परहेज करने और आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जून को अपनी आंखों की जांच के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली एम्स में 23 जून को जांच के बाद उन्हें आंखों के ऑपरेशन की सलाह दी गई। एक आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जून को दिल्ली एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के डॉक्टर जीवन सिंह टिटियाल की निगरानी में हुआ। करीब 3 घंटे तक आंख की सर्जरी चली। सर्जरी के कुछ घंटे बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद एम्स में ही दूसरी आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन 27 जून को किया गया। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी अपनी पोस्ट कोविड परेशानियों को लेकर दिल्ली में चेकअप करवाने गए हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 15 को अंगिका विषय का इंटरव्यू। पटना प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में 4,500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होने जा रही है। सबसे पहले अंगिका विषय के लिए इंटरव्यू होगा। इस संबंध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक और ईमेल के जरिए भेजी जा रही है। इंटरव्यू के दिन सभी संबंधित अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज और उन दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। साथ ही पहचान सत्यापित करने वाले दस्तावेज मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर भी जाना होगा। अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भी लेकर आना होगा। इंटरव्यू राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के दफ्तर में होगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपनी 72 घंटे पहले की कोरोना की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इंटरव्यू 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से आयोजित किया जाएगा। अंगिका विषय में 4 पदों के लिए इंटरव्यू होना है। इसके लिए कुल 7 ही आवेदन आए हैं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में हिंदी और अंग्रेजी विषयों के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मसलन भोजपुरी, पाली, प्राकृत आदि विषयों के लिए इंटरव्यू कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इन सभी विषयों में 100 से कम पद है। मालूम हो कि कुल 4,500 पदों के लिए करीब 60,000 आवेदन आए हैं।
राज्य भर में सात निश्चय पार्ट टू के तहत मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना से जुड़े लाभुकों को 1 जुलाई से हर महीना 30 रुपए देने होंगे। पीएचईडी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, यानी पीएचईडी और पंचायती राज विभाग के माध्यम से 1,73,00,000 से अधिक परिवारों को जुलाई से नल के जल के लिए शुल्क देना होगा। वहीं दोबारा कनेक्शन लेने के लिए 300 रुपए देने होंगे। योजना के तहत 1,83,00,000 परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। नई पॉलिसी के तहत लाभुकों को प्रति माह 30 रुपए देने होंगे। अगर कोई राशि नहीं देता है तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति संबंधित उपभोक्ताओं को नोटिस भेजेगी और नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद भी लाभुक शुल्क देने में संकोच करेंगे तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। वहीं जब दोबारा कनेक्शन के लिए कार्ड क्रियान्वयन समिति एवं प्रबंधन समिति की अनुशंसा जरूरी होगी। बिहार में 11 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश की परीक्षा रद्द। बिहार में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में बीएड प्रवेश की परीक्षा रद्द कर दिया गया है। बीएड के प्रवेश परीक्षा 11 शहरों में होना था। राज्य में इस बार परीक्षा संचालन का जिम्मा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिला था। बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए राज्य के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। जानकारी के अनुसार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। राज्य में 14 विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही थी। बिहार में बीएड के करीब 33,000 सीट हैं, जिसके लिए लगभग 1,50,000 आवेदन इस साल आए हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।